वेलकम टू मैकलन। तो आज हम अपना दूसरा प्रॉब्लम पढ़ेंगे, इलॉन्गेशन स्ट्रेस और स्ट्रेन का। ठीक है, तो जैसे अभी देख रहे प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम ये रहा, अ बार हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 700 mm² इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड एट द पोजिशन इंडिकेटेड। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन द सेगमेंट क्यू आर। तो अब हमको निकालना है स्ट्रेस का वैल्यू इस सेगमेंट में। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं, चलो सॉल्यूशन के ऊपर बैठे। तो पहले हम लिखते हैं डाटा, तो क्या डाटा प्रोवाइडेड है। तो हमें सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्रोवाइडेड है, जो है 700 mm². ठीक है, तो हमें इस सेगमेंट का बार का हमको स्ट्रेस निकालना है। तो पहले निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैं पहले इस बार को तीन, जैसे ये तीन सेगमेंट में आपको दिख रहा है ये बार, उस तीन सेगमेंट में निकाल के दिखाता हूँ। तो अलग अलग कर देते पहले। तो पहला कुछ ऐसे रहेगा, सेकेंड ऐसा रहेगा, एंड थर्ड वन ये रहा। ठीक है, तो जैसे आप देखें 63 किलो न्यूटन, तो 63 किलो न्यूटन, तो ऑब्वियस सी बात है 63 किलोमीटर यहाँ पे भी रहेगा, करके इसे बैलेंस करना था। ठीक है, और ये रहा पी क्यू। ठीक है, तो 63 यहाँ पे भी होगा, 63 यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है ये डायरेक्शन में, इस साइड राइट साइड में 35 है, तो 63 यहाँ पे हो गया। तो ये 63 और यहाँ पे इस साइड में 35 है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने 63 लिख दिया है। तो क्या होगा, 63 माइनस क्या है ये 35 35, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लिखा है इसलिए माइनस। तो क्या आएगा 28। ठीक है, ये रहा 28, तो इस साइड आएगा 28, ये कॉम्प्रेसिव आएगा करके, जैसे आप देख रहे हैं कॉम्प्रेशन है। तो 28 किलो न्यूटन इस साइड, तो उसको बैलेंस करने के लिए 28 किलो न्यूटन। ठीक है, फिर जैसे ये इसमें ये वाले बाद इस वाले सेगमेंट के बाद में टेंसाइल लिए। ठीक है, तो ये टेंसाइल का बना देते हैं हम, तो 20 हो गया। ठीक है, पर ये साइड में, इस साइड में 49 दिखा है, और ये हमें यहाँ पे ऑलरेडी 20 दे रखे, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये सेम साइड देखो, साइड देखिए तो 49 ऑलरेडी है, तो 49 माइनस 28, तो कहेंगे 21 किलोमीटर, और यहाँ पे तो 21 किलोमीटर ऑलरेडी लिखा है, तो 21 किलोमीटर। तो ये रहा क्यू आर एंड आर एस। ठीक है, तो हमको वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इस सेगमेंट की निकालना है, क्यू आर की। ठीक है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं इज इक्वल्स टू पी अपॉन ए। पी मीन्स एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स 28 किलोन्यूटन, किलो न्यूटन के लिए इंटू टेंस पर ठीक किया, अपॉन ए, ए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा 700 mm², जो पूरे बाद में फॉलो होता है। तो इसका आंसर आता है 28 × 10³ एंड 7/700, तो इसका आंसर आ गया 40। तो इसका आंसर आ गया 40 N/mm². सो दोस्तों, ये रहा बहुत इजी प्रॉब्लम है, और मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहूँगा, ये भी प्रॉब्लम गेट में आ चुका है, ये आया था 2006 में। तो ठीक है दोस्तों, तो आप तो लाइक कीजिए मेरा वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, और मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे इसी के रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू।